Hello everyone, this is Abad. Here we are discussing previous year examination idioms and phrases. पहला आपके सामने है, इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल. ही केम आउट ऑफ हिज सेल का आपको मतलब बताना है. सेल का मतलब आप समझते ही हैं, सेल क्या होती है, कोई भी चीज़ जैसे किसी भी क्लोज्ड स्पेस को भी हम सेल बोल सकते हैं. कम आउट ऑफ सेल मतलब किसी भी क्लोज्ड स्पेस से किसी का बाहर आना. इसका मतलब क्या होता है, कोई मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत शाय है, शर्मीला है, बहुत कम बात करता है, तो कैम आउट ऑफ सेल का मतलब होता है आपके सामने बिकम लेस शाय एंड बी मोर कॉन्फिडेंट टू सोशिएबल, मतलब कि उसकी शर्मिंदगी कम करके दूसरों से बातचीत करना शुरुआत करना. तो ही कैम आउट ऑफ हिज सेल, दैट इज़ कॉल्ड बिकम मोर सोशिएबल, है ना, ज़्यादा क्या होना, सामाजिक होना, अपना शर्मिलापन छोड़ना. अगला आपके सामने है, एवरी पोलिटिकल पार्टी इज़ एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से याद नहीं होता स्टूडेंट को. प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है जब पोलिटिकल पार्टी की यहाँ पर बात चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड अपीजिंग द मासेस, किसी को मनाने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड प्ले टू द गैलरी, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अडंबर तरीके से किसी को मनाना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेइंग टू द गैलरी कहलाता है. अगला आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिज ब्लड रन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वॉज मर्डर्ड. हिज रन कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है जी, ठंडा. हिज ब्लड रन कोल्ड, उसका खून ठंडा पड़ गया. अब ये खून ठंडा पड़ गया आप इससे समझे, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है उसी को बोलते हैं रन हिज ब्लड कोल्ड. अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है फ्राइटेंड और दूसरा है हॉरीफाइड. दोनों का मतलब ही क्या होता है, डर होता है, आपको पता हो. डिप्रेशन एंड डिस्गस्टेड तो हो नहीं सकता. अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिए आप, फ्राइटेंड क्या होता है एंड हॉरीफाइड. फ्राइटेंड दैट इज़ कॉल्ड एक प्रकार की क्या है, फीलिंग है ना, जब आप व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फियर, जब आप डर से सफ़र कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्राइटेंड. जबकि हॉरीफाइड क्या होता है, आपके सामने अचानक से कोई ऐसी डरावनी चीज़ आ जाए या कोई आपको अचानक से डरा दे, है ना, अंधेरे में कोई आपका दोस्त आकर आपको डरा, दैट इज़ कॉल्ड हॉरीफाइड, सडन फीलिंग, हॉरीफाइड हो जाते हैं आप. लेकिन फ्राइटेंड दैट इज़ कॉल्ड सफरिंग फ्रॉम फियर. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, फ्राइटेंड. अगला आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल भी ये आया था हमारे सामने, आप देख पा रहे हैं कितने रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन. दिस इज़ सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड. ये इतना सरल है कि अ मैन इन द स्ट्रीट कैन इसको समझ सकता है एक कौन, अ मैन इन द स्ट्रीट हमने बताया था एन ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी. आप देख पा रहे हैं उसी ऑप्शन के साथ वापस रिपीट हुआ है. अगला क्वेश्चन हमारे सामने, द एंग्री हॉकी प्लेयर्स गैप वेन टू देयर फीलिंग. गैप वेन टू देयर फीलिंग, जब भी आपके सामने ऐसे आ जाए जैसे ये सेकेंड फॉर्म लिखी है, तो इसको आप नॉर्मल वे में ले जाने की कोशिश करेंगे और आप पढ़ेंगे गिव वेंट टू देयर फीलिंग. अब इसको समझने में बड़ा ही आसान है, ये वेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बाहर निकालना, और आपका इसी शब्द से तो वेंटिलेशन सिस्टम बना हुआ है, वेंटिलेशन जो हवा को बाहर निकालने और अंदर करने के काम आता है. तो वेंट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना. वेंट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आपके अंदर एंग्री फीलिंग्स हो, उनको बाहर निकालना वेंट कहलाता है. तो लिखा भी है द एंग्री हॉकी प्लेयर्स गेव वेंट टू देयर फीलिंग्स, मतलब उनने अपनी फीलिंग्स को क्या किया, बाहर निकाला किसी और के ऊपर. तो दैट इज़ कॉल्ड टू एक्सप्रेस. क्या होगा, टू एक्सप्रेस. सप्रेस का मतलब होता है दबाना, है ना, इसी का अपोजिट है, एक्सप्रेस का अपोजिट है सप्रेस. टू डिसमिस, डिसमिस का मतलब तो नोटिस निकालना होता है. एम्फसाइज मतलब जोर डालना होता है. हमारा आंसर क्या होगा, टू एक्सप्रेस, उनकी फीलिंग को उनने क्या किया, बाहर निकाला. अगला आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई ट्रस्ट यू विल बियर विथ मी फ्यू मिनट मोर. बियर विथ, आपने एक और idiom पढ़ा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो कि टू पुट अप विथ. पुट अप विथ का मतलब हमने पढ़ा हुआ है बियर विथ, और बियर का मतलब नॉर्मली होता है सहन करना किसी चीज़ को, बियर विथ कहलाता है. तो बस, तो सपोर्ट बिल्कुल गलत हुआ, हमें क्या बताना है, बियर मतलब कि सहन करना, कैरिंग द बर्डन फॉर, बी इन कंट्रोल फॉर, और हैव पेशेंस विथ. तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर है, पेशेंस विद, सहन करना, और सहन करना मतलब कि किसी भी चीज़ में धैर्य रखना. दिस इज़ द करेक्ट, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं है, इसकी जगह जो आता है वो क्या है, टू पुट अप विथ. अगला आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज़ यूजुअल ही इज़ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट. ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट idioms है. ब्लो का मतलब बजाना होता है, हमें पहले ही पता है, ये पहले भी हम डिस्कस करें, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट. ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, जीत होती है. तो ब्लोइंग हिज ऑन मतलब अपनी ही उपलब्धियों के बारे में दूसरों को बताना, है ना, उसी को बोलते हैं ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, है ना.
अपना ही राग अलापना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजिंग टू यूज़ एनी बडी एल्स ट्रम्पेट. बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अपनी तारीफ कर रहा है दूसरे से उसे को, एम्प्लेइंग इट द टोन ऑफ ट्रम्पेट. अगला है प्रेजिंग हिमसेल्फ, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना. नाउ व्हेन दे वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स द डेकोइट्स लेट डाउन देयर आर्म्स, लेट डाउन देयर आर्म्स. देखिए इस बात को समझिए, आर्म का मतलब हाथ होता है, लेकिन आर्म्स में एस लग जाने पर मीनिंग चेंज होकर इसका मतलब हो जाता है हथियार, आर्म्स. लेड जो है वो ले की ही सेकेंड फॉर्म है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ले, ले मतलब कोई भी चीज़ नीचे रखना या लेटाना. तो अब आप समझ ही गए होंगे, ले डाउन देयर आर्म्स मतलब हथियार डाल देना. जब वो चारों तरफ से सराउंड हो गए, जब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, तो उनने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए. पुट देयर आर्म्स ऑन द ग्राउंड, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, अपने ग्राउंड पर डाल दिए. फॉट ब्रेवली, बहादुरी के साथ लड़ाई की, दैट इज़ कॉल्ड. अगला है सरेंडर, तो हम क्या करते हैं जब कोई इंसान अपने हथियार डाल देता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर. और पुट देयर आर्म्स ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि नॉर्मली भी आपके हाथ में कोई हथियार है, आपने ग्राउंड पे डाल दिया, उसको रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सराउंडर आपने सरेंडर कर दिया है. तो करेक्ट आंसर इज़ द सरेंडर्ड, है ना. पुट देयर आर्म्स डाउन, या फिर लेट डाउन देयर आर्म्स, है ना. आर्म्स का मतलब क्या पता है, हथियार. लेट जो है ले की ही सेकेंड फॉर्म है. अगला आपके सामने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब जितने भी आ रहे हैं. हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस, तो ओवर हेड एंड ईयर्स, अब आप अज्यूम करें हेड, अब नहीं बोलते कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लीटली, जब आप किसी भी चीज़ में, तो ओवर हेड एंड ईयर्स, हेड मतलब सर, ईयर मतलब आपको पता ही है कान होता है. तो हेलेना वॉज इन लव विद डेमेट्रियस, इतनी है वो प्यार में उसके, इतनी पड़ चुकी है कि जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कम्प्लीटली, फुली, है ना. तो केयरफुली बिल्कुल गलत है, ब्रिलियंटली, कॉशनली मतलब सावधानी से, नहीं कम्प्लीटली, हेलेना वॉज कम्प्लीटली इन लव विद डेमेट्रियस. अगला क्वेश्चन, गोपी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भली बात ही जानते हैं कि कितनी बार रिपीट हो चुका है. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स उसी ऑप्शन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलरली, रुक रुक कर. गोपी कैसे काम करती है, रुक रुक कर. अगला क्वेश्चन, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, नरेश गोयल को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ा कम उम्र में ही. तो टू स्टैंड ऑन हिज फीट, ये तो लिटरल मीनिंग है, टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैर पर खड़ा होना. अब यहाँ पर दो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, टू बी फिजिकली स्ट्रांग, ये तो बिल्कुल गलत होगा, टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं, एंड टू बी सक्सेसफुल. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, ठीक है, टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा होना, टू बी सक्सेसफुल भी हो सकता है, टू बी इंडिपेंडेंट. तो अब हमने भी पढ़ा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड, टू बी इंडिपेंडेंट. द पजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, आपको पता भी है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में झगड़ा चलता रहता है, किसको लेकर, जेरूसलम को लेकर, कि हमारी कैपिटल है हमारी है. तो द पजेशन ऑफ जेरूसलम इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन. बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स है. बोन ऑफ कंटेंशन, दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट या अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़. आपको कई किताबों में मिलेगा एक ऐसा विवाद जिसको निपटाना हो, ये भी वही होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है. तो अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का मुद्दा, बिल्कुल गलत है. अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार, व्यापार का मुद्दा. अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़. तो यही इसका सही आंसर है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, तो अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट. लास्ट क्वेश्चन आपका, माई फ्रेंड टर्न अ डीप ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, टर्न अ डीप ईयर, टर्न में ईडी लगा है, एक्चुअल में होता तो ये क्या होता, टर्न अ डेफ ईयर. डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा. अब आप समझिए, आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, कुछ हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं, और उसने क्या कर दिया, वो एकदम बहरा बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, आपको रिफ्यूज़ कर रहा है वो किसी भी चीज़ के लिए, मना करना ही टर्न अ डीप ईयर कहलाता है. पे नो अटेंशन, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अ डीप ईयर, डेफ ईयर मतलब बहरा बन जाना. तो अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर थोड़ा से वर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको सिलेक्शन से ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड से का हेल्प लेना होगा. सिलेक्शन मेथड क्या होती है, कि जब आपने इसको पढ़ा और पढ़ते ही आपको अगर आ गया याद कि यार इसका आंसर ये होता है, तो आप तुरंत उसको टिक कर देंगे. कई बार क्या होता है, आंसर पता होते हुए भी
ऑप्शंस में इस प्रकार के शब्द नहीं होते हैं कि आप, अब अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, लेकिन यहाँ पर देखिए, पैड नो हीट, बेंट फार अवे, लिसन केयरफुली, टर्न हिज ईयर अवे, तो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है जिससे आप इसको कर सकें, डायरेक्टली आंसर लगे। तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का हेल्प लेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, एक होती है सिलेक्शन जो कि पहली मेथड होती है, उससे अच्छी मेथड जो होती है दूसरी, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। पहली हुई आपके सामने सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट आंसर पता है, आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। दूसरी है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में आप उन ऑप्शंस को हटाएंगे जिनके लेकर आप श्योर नहीं है, जो आपको लग रहा है कि ये नहीं। अब बेंट फार अवे, दूर चले जाना, बिल्कुल गलत हुआ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब तो होता है कि ध्यान नहीं देना, मतलब ये भी क्या हो गया गलत, और ये भी क्या हो गया गलत। टर्न हिज ईयर अवे, अब ये क्या है, ये लिटरल मीनिंग है, ये फालतू की बात लिखी हुई है ना, उसके कान को दूर ले जाना, जिसको नो। अब अगला लास्ट बचता है आपके सामने, पैड नो हीट। अब आपको हीट का मतलब नहीं पता, लेकिन आप ये जरूर श्योर है कि यही आपका सही आंसर होगा। हीट का मतलब होता है अटेंशन, तो पैड नो अटेंशन, ध्यान नहीं देना, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ हाउ द एलिमिनेशन मेथड हेल्प्स यू टू सिलेक्ट द राइट आंसर। आई होप यू पीपल हैव एन्जॉयड द एफर्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स भी थे इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।